ओम शांति। आज परमात्मा पिता का हम सभी बच्चों के प्रति विशेष दिव्य वरदान है। बच्चे, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते, क्योंकि जहां लगन होती है वहां कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है जिससे वो सेफ रहते हैं। परमात्मा हम सब बच्चों को शक्तिशाली भाव का वरदान देते हैं और इस कलयुगी दुनिया में सेफ्टी का एक बहुत सुंदर साधन बताते हैं कि अगर मुरलीधर से हमारा प्यार है तो मुरलीधर से प्यार माना उनकी मुरली से, पढ़ाई से प्यार। अगर कोई कहे कि मुरलीधर को, भगवान को हम बहुत प्यार करते हैं लेकिन मुरली के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो परमात्मा कह रहे हैं जहाँ लगन होती है वहाँ कोई बहाने नहीं होते। कैसे भी समय निकाल करके परमात्मा की मुरली जरूर सुननी है, पढ़नी है, क्योंकि उसी से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है। परिवार और पढ़ाई से प्यार, किसी भी ब्राह्मण आत्मा का अगर इन दो चीज़ों से प्यार है, परिवार से, पढ़ाई से, बाबा से, तो सदा वो शक्तिशाली है, सदा वो सेफ है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, किसी भी प्रकार के विघ्न में वो सहज पार हो सकता है। इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों को सदा शक्तिशाली बनने की एक विधि बताते हैं। केवल मुरलीधर बाबा से ही प्यार नहीं करो, बाबा की पढ़ाई से, उनके परिवार से भी प्यार रखो तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे, एक किला बन जाएगा प्यार और आप सदा सेफ हो जाएंगे। ओम शांति। तेरी